नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नागपुरी लोकगीत का वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को नागपुरी लोकगीत पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, नागपुरी लोकगीत और बनकेवरा भाग एक, साथ ही नागपुरी व्याकरण का बहुत सारे वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट चेक कर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी लोकगीत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुरी लोकगीत के बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं नागपुरी लोकगीत। दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ टॉपिक जैसे उदासी गीत तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में पावस गीत को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पावस गीत के बारे में पढ़ेंगे। पावस, दोस्तों देखिए, पावस गीत कब गाया जाता है? पावस गीत आषाढ़ महीना में, आषाढ़ माह में पावस गीत गाया जाता है। आषाढ़ मास यानी कि जुलाई, जुलाई, ठीक है। पावस गीत आषाढ़ मास में गाया जाता है, इसके बारे में देख लीजिए। आषाढ़ मास कहने का मतलब, जैसे पावस राग के गीत, गीत आषाढ़ मास, मास मतलब महीना के चढ़ते ही गाया जाता है। यानी कि जैसे ही आषाढ़ मास चढ़ता है उस समय से पावस राग के गीत शुरू हो जाता है, इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। वर्षा ऋतु में इस राग के धुन और लय एक हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में इस राग के गीत देख लीजिए, वर्षा ऋतु में इस राग, कौन राग? पावस राग के गीत, पावस राग के गीत, पावस राग के धुन और लय, और लय एक हो जाता है, एक हो जाता है, मतलब एक ही जैसा हो जाता है यह। और एक बात, यह पुरुष प्रधान गीत है, गीत है, याद रखिएगा, यह पुरुष प्रधान गीत है, ठीक है। इस गीत में प्रायः वर्षा, सिंगार, सिंगार और वीर विरह, विरह आदि भाव पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, इस गीत में जो पावस राग के गीत रहेगा उसमें प्रायः वर्षा या तो सिंगार रस, वीर रस, विरह, ये सभी भाव इस गीत के अंतर्गत आएंगे, मतलब ये सभी भाव इस गीत में, पावस राग के गीत में मिलेंगे। इसको नोट करिए, उसके बाद मैं फिर बताता हूं आप लोगों को। देख लीजिए, पावस राग के गीत आषाढ़ मास के चढ़ते ही गाया जाता है। आषाढ़ मास जैसे शुरू होता है उस समय से पावस राग वाले गीत शुरू हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में इस राग के धुन और लय एक हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में दोनों धुन और लय मतलब एक ही हो जाता है। यह पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इस गीत में प्रायः सिंगार रस, वीर रस और विरह आदि भाव पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातों को ध्यान देने की जरूरत है, याद रखेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यह गीत किस तरह के होता है, ठीक है।
इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग देखते हैं आगे यह गीत कैसे होता है। चलिए गीत देख लेते हैं। गर्जत मेघ, गर्जत मेघ करत शोर, करत शोर बरसत बरसत जल करत जोर। देखिए धक 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 जीव करे, जीव करे पिया परदेश, पिया परदेश बहुरत बहुरत नहीं मोरे गुया। गुनी 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 प्रेम नैना नैना जल धरे, जल धरे। देखिए ये गीत का लाइन है, गर्जत मेघ करत शोर बरसत जल करत जोर। गर्जत मेघ, मेघ गरज रहा है, गरज कर शोर कर रहा है, बरसत जल करत जोर, जोर जोर से क्या वर्षा हो रहा है। धक धक जीवा करे, धक धक मतलब जीव जो जान जो है धक धक कर रहा है। पिया परदेश बहुरत नहीं मोरे गुया, पिया परदेश में है बहुरत नहीं, वापस नहीं आ रहे हैं मेरा पिया गोया पति। ठीक है। गुनी गुनी प्रेम नैना जल भरे, गुनी गुनी सोच सोच के प्रेम नैना आंसू, प्रेम के आंसू बह रहा है, पिया के याद में आंसू बह रहा है, याद कर करके। इस गीत में देखिए क्या भाव लग रहा है, इस गीत में विरह है, किसी का याद में यह गीत गाया जा रहा है। कौन सा राग में? पावस राग में, आषाढ़ के महीना में यह गीत पिया की याद में गाया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरह का जो गीत मिलेगा वो कौन सा गीत होगा? पावस गीत। जी हाँ दोस्तों, पावस राग की गीत होगा। और यह गीत कब गाया जाता है? आषाढ़ माह के शुरू होते ही। ठीक है, देखिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये था पावस, अब हम लोग अंगनई देखेंगे। अंगनई गीत, अंगनई अंगनई गीत। अब देखिए अंगनई गीत कब गाया जाता है। देखिए यह महिला प्रधान नृत्य संगीत है, अंगनई। जी हाँ दोस्तों, यह महिला प्रधान नृत्य संगीत है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि अंगनई किशन मधेकर नृत्य संगीत है या तो संगीत है, तो महिला प्रधान। ठीक है, और आगे देखिए इसे कर्मा जितिया, जितिया के अवसर पर। ठीक है, कर्मा जितिया के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, कर्मा जितिया के अवसर पर गाया जाता है। इसमें देखिए इसमें कौन कौन से वाद्य होते हैं, जैसे इसमें इसमें मांदर, मांदर का विशेष महत्व है नागपुरी जगत में, ढोलक ढोलक नगाड़ा नगाड़ा याद रखिएगा, ढाक फिर करताल करताल झांझ
झांझ ठेचा ठेचका ठेचका बांसुरी 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 आदि बजाए जाते हैं, आदि बजाए जाते हैं। कब इस अंगने गीत को गाने के समय इसमें मांदर ढोलक नगाड़ा ढाक करताल झांझ ठेचका बांसुरी आदि बजाए जाते हैं। ये सभी इस गीत में जब अंगने गीत गाया जाता है, नृत्य किया जाता है उसके साथ ही, उस समय ये सभी बाजा बजाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? मांदर ढोलक नगाड़ा ढाक करताल झांझ ठेचका बांसुरी ये सभी। ठीक है, याद रखिएगा ये कब करम जितिया के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए फिर देखिए ये गीत कैसा होता है। गीत देख लीजिए, आंबा मंजरे मधु मधु मातलय रे तैसने पिया मातल जाए रे मातल जाए रे तुलसी पतैया पतैया चिट्ठी लिख भेजे भेजे रे समझी नैना नैना ढरकाले लोर। ये देखिए ये गाना है। ठीक है, अंगने गीत में आंबा मंजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातल जाए रे तुलसी पतैया चिट्ठी लिख भेजे रे समुझी नैना ढरकाले लोर। देखिए इस गाना का बोल है और इसका अर्थ को भी जानिए। आंबा मंजरे मधु मातल, आंबा मतलब आम, आंबा मतलब आम, मंजरे आम का मंजर होता है, आम मंजर में जैसे मधु भर गया है। ठीक है, मधु आता है ना उस समय, मधु भर जाता है, मीठा मीठा लगता है, उसी तरह जिस तरह से आम का मंजर में मिठास भर गया है, तैसने पिया मिठास से मतवाला हो गया है, मिठास में क्या बोले उसको, मीठा रस में डूब गया है, तैसने ठीक उसी तरह पिया भी मीठा रस में वाला हो जा रहे। तुलसी पतैया चिट्ठी लिख भेजे, तुलसी पतई में चिट्ठी लिख कर भेजे, ठीक है भेजे, समुझी नैना धरकाले लोर, समुझी समझ कर नैना से लोर धरक रहा है। तो ये अंगने गीत है। तो ये था अंगने गीत, कब गाया जाता है, करम जितिया के अवसर पर गाया जाता है, इसके साथ मांदर ढोलक नगाड़ा ढाक करताल झांझ ठेचका बांसुरी आदि बाजा बजाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे झूमर गीत। ठीक है, चलिए मिटा रहा हूं दोस्तों। झूमर गीत को पढ़ने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। ठीक है, कहने का मतलब है झूमर गीत मैं आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए झूमर देखिए सबसे पहले झूमर ठीक आपका सिलेबस में है झूमर पढ़ना है, लेकिन सिलेबस में ये नहीं दिया है कि आपको मर्दाना झूमर पढ़ना है, जनानी झूमर पढ़ना है या बंगाली झूमर। तो झूमर को पढ़ने से पहले ये तीनों बातों को ज्ञान होना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले मर्दाना झूमर को देखेंगे। ठीक है, मर्दानी झूमर इसको हम लोग
बांट लेते हैं सबसे पहले, ठीक। यहां पर मर्दानी, झूमर, ठीक। फिर देखिए जनी झूमर, जनी झूमर, फिर बंगाली झूमर। इसका खास जरूरत तो नहीं है, ये दोनों को हम लोग को विशेष रूप से देखना है, उसके बाद इसको मैं अच्छे तरह से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। ये तीन पार्ट में बांटा हुआ है झूमर गीत, ठीक, इसको नोट करिए। देखिए देखते हैं मर्दानी झूमर, मर्दानी झूमर, झूमर, मर्दानी झूमर, यह पुरुष प्रधान है, ठीक है, यह पुरुष प्रधान, प्रधान, पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है, नृत्य, नाच गान, नृत्य संगीत, संगीत है, ठीक है, याद रखिएगा यह पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है, ठीक है। और देख लीजिए इसमें, इसमें वीर रस, देख लीजिए इस गीत में वीर रस, ओज, ओज गुण, ऊंचा स्वर, ऊंचा स्वर, तीव्र नृत्य, तीव्र नृत्य, और वाद्य चलता है, ठीक है, और वाद्य चलता है, ठीक। इसमें वीर रस, ओज गुण, ऊंचा स्वर, तीव्र नृत्य और वाद्य चलता है, कौन सा गीत में, मर्दानी झूमर में। इसके साथ देखिए इसमें वाद्य में क्या है, वाद्य में नगाड़ा, याद रखिएगा नगाड़ा, ढाक, फिर देखिए ढोलक, ढोलक, मांदर, घुंघरू, घुंघरू, फिर सहनाई, सहनाई, फिर देखिए बांसुरी, बांसुरी आदि बजाए जाते हैं, आदि बजाए बजाए जाते हैं, जाते हैं, ठीक है। मर्दानी झूमर में नगाड़ा, ढाक, ढोलक, मांदर, घुंघरू, सहनाई, बांसुरी, ये सभी बजाए जाते हैं, ठीक है। और ये पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है। इस गीत में वीर रस, ओज गुण, ऊंचा स्वर और तीव्र नृत्य और वाद्य चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। झूमर मर्दानी झूमर, जनी झूमर, बंगाली झूमर, तीन भाग में बांटा गया है, ठीक। तो चलिए दिखाता हूं कि किस तरह से होता है झूमर, मर्दानी झूमर गीत, ठीक। मर्दानी झूमर गीत लिखते हैं, ठीक है, देखिए ये गीत क्रांति कर कर नारा गूंजे, ठीक है, क्रांति कर नारा गूंजी धरती आसमान, धरती आसमान में दिया, दिया सवाल, पूछी आंधी से, तूफान से, तूफान से, ठीक।
देखिए ये गाना का बोल है, ठीक है, क्रांति कर, देखिए गाना का बोल है कि क्रांति कर नारा गूंजी धरती आसमान से, दिया सवाल पूछी आंधी और तूफान से। ये गाना में किस तरह से ओजपूर्ण है यह गाना, ठीक, इसमें वीर रस कैसे है उसको देखिए। क्रांति कर नारा गूंजी धरती आसमान से, दिया सवाल पूछी आंधी तूफान से। देखिए इस तरह से यह गीत होता है, ठीक, मर्दानी झूमर जो है यह वीर रस में गाया जाता है और इसमें ओजपूर्ण गीत होता है। क्रांति का जब नारा गूंजने लगेगा धरती आसमान में, ठीक, धरती और आसमान में, दिया सवाल पूछेगा आंधी से तूफान से। कोई क्रांति का नारा जब गूंजेगा धरती आसमान से तो दिया भी सवाल पूछेगा आंधी से तूफान से, ये कहा जा रहा है इस गीत में। देख लीजिए वीर रस है और ओजपूर्ण गीत है, ठीक है, तो मर्दानी झूमर गीत इस तरह से होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये गीत भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे जनी झूमर, ठीक है, जनी झूमर गीत कैसे होता है देख लीजिए। यह महिला प्रधान गीत है, यह महिला प्रधान गीत है, ठीक है, यह महिला प्रधान गीत है। यह पहला पॉइंट हुआ। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, इसे इसे करम जितिया जितिया के अवसर पर गाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को भी करम जितिया के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बात इसमें गौर करने वाली है कि इस गीत में इस गीत की शुरुआत 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 प्रया ओदेरे ओदेरे से शुरू होता है शुरू होता है, ठीक है। यह गीत जो है कौन सा गीत, जनी झूमर, यह ओदेरे से शुरू होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा रहा हूं। देखिए जैसे देख लीजिए तेरे रसल भावरा 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 आइज भावरा आइज भावरा भावरा कहाँ तोलो भाले लोभाले रे रसल भौरा रसल भौरा भौरा। ये धुन है, ठीक है, गाना का बोल है, ठीक, देख लीजिए। ओदे रे रसल भौरा भौरा आइज भौरा कहाँ तो लोभाले रे रसल भौरा भौरा, ठीक है, ये धुन है, ठीक है। देखिए कैसे शुरू हो रहा है, मैंने अभी पहले ही बता दिया कि
जो जनी झूमर है प्रया ओदे रे से शुरू होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका शुरू होने का यही है। और ये कब गाया जाता है, करम जीतिया के अवसर पर गाया जाता है। हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें ओदे रे रहेगा, इसको पहचानने का ये नियम है, ठीक है। रसल भावरा भावरा आइज भावरा, ठीक है, रसल मातल भावरा, ठीक है, मता हुआ प्रेम में डूबा हुआ भावरा, भावरा मतलब मधुमक्खी, ठीक है, उससे रिलेट करके बताया जा रहा है कि रसल भावरा भावरा आइज भावरा कहाँ तो लोभाले, ठीक है, किसी संगीनी के लिए कहा जा रहा है कि रसल भावरा आइज भावरा कहाँ तो लोभाले, मतलब आज किसके प्रेम में तुम खो गए हो, ठीक है, कहाँ खो गए हो, किसके प्रेम में, रसल भावरा भावरा ये भावरा, ये अपना संगीनी को भावरा से रिलेट करके कहा जा रहा है कि ये भावरा आज तुम कहाँ खो गए हो, किसका प्रेम में खो गए हो, इसी को ओदे ओदे रे रसल भावरा आज भावरा कहाँ तो लोभाले रे रसल भावरा भावरा, ठीक है, ये जनी झूमर के गाना का बोल है, ठीक। देखिए उसके बाद बंगला झूमर, बंगला झूमर, ठीक दोस्तों, ये गाना ये नागपुरी में इसका विशेष स्थान नहीं है, लेकिन भी बता दे रहा हूं कि बंगला झूमर भी यह भी पुरुष प्रधान गीत है, पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है, याद रखिएगा, नृत्य संगीत है, ठीक है। इसमें भी देखिए, इसमें भी जो मर्दानी झूमर में वाद्य बजाए जाते हैं, वही बजता है, ठीक है, तो जो वाद्य मर्दानी झूमर में बजाए जाते हैं वही वाद्य इसमें भी बजाए जाते हैं, यह भी पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है, ठीक है। तो दोस्तों ये था झूमर के तीन भाग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जितने भी बचा हुआ है लोक संगीत का उसको देखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय झारखंड जोहार।